हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इंडिया डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सभी बच्चे लाइव आ जाए। आज जो है ना, आप लोग को पॉलिटेक्निक का ध्यान से देखिएगा। पॉलिटेक्निक का जो आपको टेस्ट प्रोवाइड होता था, वो टेस्ट जो है ना, अब इसी चैनल पर प्रोवाइड होने वाला है। और वो जो है आपको डेली सुबह में 8 बजे प्रोवाइड होगा। ठीक है, टाइमिंग चेंज हुआ है। शाम में 7 बजे होता था, अब जो होगा सुबह में आपको 8 बजे, ध्यान से देखिएगा, 8 AM में डेली प्रोवाइड होगा। और आपको बता दो कि ये टेस्ट नंबर जो है ना, ये टेस्ट नंबर 66 है, 64 नहीं, 66, सॉरी 66 हो चुका है ना जी। 67 नंबर का टेस्ट है, 67। ये टेस्ट नंबर कितना है? 67। 67 नंबर का टेस्ट है। ऑलरेडी 66 टेस्ट जो है ना पॉलिटेक्निक का जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और भी क्लासेस चालू यहाँ पे किया गया पारा मेडिकल के लिए। तो पारा मेडिकल के लिए बच्चे, मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होगा ना, इसी चैनल पर होगा। और वो होगा शाम को, इवनिंग में 7 PM होगा। 7 PM इवनिंग में, सब नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। इवनिंग में 7 PM होगा PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक वाले हैं वो भी वो टेस्ट को जरूर देंगे। वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ शाम को जो टेस्ट होगा उसमें पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पॉलिटेक्निक में भी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको जो है पारा मेडिकल में पढ़ना है। तो इसीलिए वो भी टेस्ट जरूर देना है शाम 7 बजे। और पॉलिटेक्निक का जो स्पेशल होगा वो 8 बजे आप लोग को होने वाला है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे या और पारा मेडिकल वाले बच्चे दोनों को फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है तो सुबह 8 बजे, शाम 7 बजे दोनों में आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। बाकी में अगर अपना रैंक को बूस्टअप करना चाहते हैं तो ठीक है। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ना, इस चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा पारा मेडिकल का। और जो है यहाँ पे और भी सब्जेक्ट जो बच जाता है, यहाँ पे जीके हिंदी, सॉरी जीके हिंदी इंग्लिश और एक और बायोलॉजी, जीके हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी, वो होगा प्रगति 247 एक चैनल है, जहाँ पे आप लोग टेस्ट देते थे वहाँ पे क्लासेस चलेगा, वो मैम लेंगी। तो वो जो है ना, उसका टाइमिंग आपको मे भी 12 बजे हो सकता है, लेकिन आप लोग एक बार ग्रुप में देख लीजिए, ग्रुप में नोटिस डाला जाए कितना बजे वो चैनल पे होगा जो, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद रखिए कि 12 बजे होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले सुबह 7 बजे, शाम 8, सुबह 8 बजे, शाम 7 बजे, दोनों टाइम आप लोग को देना है, ठीक है। तो आज हम लोग फिजिक्स का टेस्ट देने वाले हैं जो, और ये टेस्ट नंबर 67 है पॉलिटेक्निक का। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है ना, 30 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन करेक्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीका से तैयारी किए हैं। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ, जो स्टूडेंट इस चैनल का पेड ग्रुप वाले स्टूडेंट होंगे ना, उन लोगों को 25+ एनी हाउ सही करना है। तो चलिए, टेस्ट का रूल रेगुलेशन आपको पता ही हो गया होगा कि आपको सबसे पहले एक 10 सेकंड का टाइमर डिस्प्ले होगा। वो टाइमर के बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लाया जाएगा और क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको जो है ना ये टाइमिंग सेट किया जाएगा। और उसी टाइमिंग के अंतर्गत आपको बताना है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना है कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, अब आपको सामने कुछ देर के लिए टाइमर 10 सेकंड के लिए स्टार्ट होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बनाएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन के लिए मात्र आपको जो समय दिया गया है ना, मात्र जो समय दिया गया है, और सॉरी 1 मिनट समय दिया जाएगा, 1 मिनट 10 सेकंड दिया गया। चलिए, टाइम स्टार्ट हुआ, सभी लोग बनाइएगा। किसी वस्तु का भार वायु में अगर 100 ग्राम है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त सभी लोग, वायु में किसी वस्तु का भार वायु में 100 ग्राम है तथा पानी में 92 ग्राम है, तो वस्तु का आयतन क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वॉल्यूम नहीं तो निकालना है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन के आपको जो है सोल्व करने में। 1 मिनट 10 सेकंड समय दिया गया था, सब लोग बनाएगा, ईमानदारी पूर्वक लास्ट में कमेंट करना है कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हो।
सभी लोग आंसर दीजिएगा जी। चलिए बहुत लोग आंसर भी आने लग गया होगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर जो आया है ना, जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है ना, ऑप्शन ए 8 घन सेंटीमीटर क्यूब, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। 8 घन सेंटीमीटर क्यूब जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। कैसे आएगा वो चीज को देखना है। देखिएगा, पानी में भार बराबर क्या हो जाएगा, पानी में भार, पानी में भार बराबर क्या हो जाएगा जी, वायु में भार माइनस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी में भार, वही तो होता है ना। पानी में भार बराबर क्या हो जाएगा, वायु में भार जो होगा इसमें घटा दीजिए क्या, वायु द्वारा हटाए गए पानी का भार, वायु द्वारा हटाए गए पानी का भार, हटाए गए पानी का भार, पानी का भार, ठीक है, पानी का भार। यानी कहने का मतलब पानी का भार कितना है जी, पानी का भार 92 है, और वायु हमको क्या निकालना है, वस्तु का आयतन निकालना है ना, तो सबसे पहले भार पता चलेगा रहेगा तभी नहीं निकाल पाएगा। यानी कहने का मतलब वायु में भार कितना है जी, वायु में भार कितना है, 100 दे रखा है। माइनस क्या हो जाएगा, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 92 यानी 8 ग्राम आ गया, 8 ग्राम आ गया एक्स बराबर। यानी कहने का मतलब वायु द्वारा हटाया गया पानी का भार 8 ग्राम आ गया, ठीक है ना, 8 ग्राम आ गया। तो वायु में आयतन हम लोग बोल सकते हैं वायु के आयतन के बराबर पानी का द्रव्यमान हो जाएगा यानी 8 ग्राम, और 8 ग्राम पानी का आयतन क्या हो जाएगा, इसको क्यू में लिख देते हैं आयतन, यानी 8 ग्राम आयतन बोल रहा है तो क्यू में होगा 8 ग्राम पानी का आयतन, पानी का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यही तो हो गया वस्तु का आयतन, बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु का आयतन, वस्तु का आयतन यही हो जाएगा ना, वस्तु का वॉल्यूम यही हो जाएगा। यानी 1 ग्राम पानी का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब के लगभग होता है ना, तो मान के चलिए 8 घन सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, चलिए सेकंड नंबर आ गया। इस क्वेश्चन के लिए मात्र आपको जो समय दिया गया है, इस क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड जी, चलो बनाएगा। किसी यदि किसी घूर्णन करती वस्तु का बाह्य बल अघूर्ण कार्य न करे ना, तो परिणाम और सॉरी परिमाण और दिशा में स्थिर रहता है, क्या स्थिर रहता है वो आपको बताना है, परिमाण और दिशा में क्या स्थिर रहता है। टाइम अप हुआ, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी कोणीय संवेग आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, कोणीय संवेग जिन जिन स्टूडेंट आंसर दिए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। चलिए इस क्वेश्चन आपके सामने आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्यंजक है ML स्क्वायर T माइनस 2 किसका है जी। इस क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड सभी आंसर चाहिए, वो 17 सेकंड हो गया, चलिए बनाइएगा। ML स्क्वायर T माइनस 2 किसका जो है आपको बताना है, डायमेंशन आपको बताना है, चलो बताइएगा। ML स्क्वायर T माइनस 2 सभी, ये तो सभी स्टूडेंट रटे हुए होंगे, ML स्क्वायर T माइनस 2 रटा हुआ है, मैक्सिमम लोग रटे हुए होंगे, बिल्कुल गतिज ऊर्जा जो बोल रहे हो ना, गति जुड़ जा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, ML स्क्वायर T माइनस 2 गति जुड़ जा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। 5 न्यूटन पर कूलम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम घन आवेश पर बल आरोपित होगा, ये जो है आपको 1 मिनट समय दिया गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चलिए बनाइएगा। 1 मिनट समय आपको दिया गया, 5 न्यूटन पर कूलम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम घन आवेश पर बल आरोपित होगा, कितना बल आरोपित होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। सब लोग बनाइएगा,
टाइम आप टाइम आप टाइम आप। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है 5 न्यूटन, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी वाले करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखना, ऑप्शन सी वाले जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, क्या करना है जी, ध्यान से देखने वाली बात है। एक एक फॉर्मूला होता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। ये फॉर्मूला सभी को पता है ना, जहां एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स है, क्यू क्या है, चार्ज है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल। जब ये चीज पता है और हमको एक चीज ध्यान से देखेगा, ये इक्वेशन से हम लोग एक ला सकते हैं, एफ बटा क्यू बराबर क्या हो गया, ई हो गया, ई हो गया। हम लोग को गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है जी, कितना है, विद्युत क्षेत्र कितना गिवन है, विद्युत क्षेत्र देखिएगा यहाँ पे कितना गिवन है, 5 न्यूटन पर तीव्रता है, यानी 5 गिवन है। एंड क्या गिवन है यहाँ पे, क्यू चार्ज कितना गिवन है, आवेश कितना, 1 कूलम का आवेश है, ए गिवन है। तो यहां से हम लोग को एफ नहीं निकाल दिएगा, एफ बराबर वाट होता है, यानी कहने का मतलब एफ बराबर क्या हो गया, एफ बराबर ध्यान से देखिएगा, ये तो करने की जरूरत नहीं, इसी में पुट कर दीजिए, नहीं क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, ये तो करने, ये भी जस्ट याद कर लीजिएगा, इसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, ए बराबर क्या हो जाए, क्यू, यानी 5 × 1, 5 × 1 कहने का मतलब क्या हो गया, ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर 5 ही आ गया ना, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है, इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा समय नहीं दिया गया, मात्र आपको चलिए 15 सेकंड समय दिया गया, 15 सेकंड कंप्यूटर जी, 15 सेकंड से ज्यादा मत दीजिए इन लोगों को, बहुत टाइम इन लोग ले लिए हैं। चलिए बनाइएगा, चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप हुआ। चलिए इस क्वेश्चन का जिन स्टूडेंट का आंसर जो आ रहा है ऑप्शन सी, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, गति में जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है, चलिए इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा समय नहीं दिया, कंप्यूटर जी ज्यादा नहीं दीजिएगा, चलिए मात्र आपको जो है 19 सेकंड समय दिया गया है, 19 सेकंड फुल एनर्जेटिक के साथ आप लोगों को स्टडी करना है। और पेड कोर्स जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए, पेड स्टडी पीडीएफ सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, चाहे पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट है, पारामेडिकल वाले स्टूडेंट है, पारामेडिकल वालों के लिए भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है वही आप लोगों को पढ़ना है। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर जो आ रहा है ना, बहुत लोग कौन सा क्वेश्चन पे आंसर मेजोरिटी किए हैं जी, बहुत गड़बड़ का किए हैं। चलिए प्रतिकर्षण वाला, प्रतिकर्षण फिर आकर्षण, बिल्कुल किसी भी शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक कमजोर चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाने में, दोनों में पहले प्रतिकर्षण होता है फिर आकर्षण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा इस क्वेश्चन को बनाएगा सभी लोग, किसी डायोड में प्लेट धारा शून्य होगी जब क्या होगा, किसी भी डायोड में प्लेट धारा शून्य होगी जब क्या होगा, प्लेट धारा शून्य होगी जब क्या होगा जी, इस क्वेश्चन के लिए आपको जो है 10 सेकंड समय दिया गया, चलिए बनाएगा सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए फुल एनर्जेटिक के साथ, कोई आपस में बातें नहीं करेगा। चलिए टाइम अप। चलिए इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ना ऑप्शन सी, प्लेट विभव थोड़ा ऋणात्मक हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी डायोड में प्लेट धारा, अगर प्लेट का जो है ना करंट अगर उसको शून्य कर देते हैं ना, तो प्लेट का विभव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक नेगेटिव की तरफ वर्क करने लगेगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट बनाइए 8 नंबर क्वेश्चन, ये जो है आपको बताया भी गया था। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है, एक मिनट समय दिया गया है। चलिए बनाइएगा, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रिटिकल एंगल दे रखा है, देखिए ये सब सारा थ्योरी भी करवाया गया, इस पर न्यूमेरिकल भी करवाया गया था, क्रिटिकल एंगल 45 दे रखा है, तो उसका वर्तनांक निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब वर्तनांक बराबर क्या होता है जी, चलो बताइएगा, अब वर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, अब वर्तनांक म्यू बराबर 1/sin θ होता है ना, sin θ, बस यही तो फॉर्मूला लगा देना है। और सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा,
चलिए सभी लोग आंसर मुझे चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट आंसर मुझे चाहिए। सभी स्टूडेंट्स आंसर मुझे चाहिए। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है रूट टू वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। कैसे होगा जी, अपवर्तनांक म्यू बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वन अपॉन साइन थीटा जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जहाँ थीटा क्या क्रिटिकल एंगल है, थीटा क्या है जी, थीटा क्रिटिकल एंगल यानी क्रांति कोण है, क्रांतिक कोण है, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना, म्यू बराबर क्या हो जाएगा वन बटा साइन 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है जी बताइएगा, किसी को पता है क्या हुआ, वन बटा क्या हो जाएगा, वन बाई रूट टू होता है ना, वन बाई रूट टू हो जाएगा। रूट टू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट टू ही तो बचेगा ना, यानी कहने का मतलब म्यू बराबर क्या आ जाएगा, रूट टू। म्यू बराबर रूट टू यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहर करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है मात्र, कंप्यूटर जी ज्यादा समय नहीं दीजिए, चलिए 12 सेकंड समय दिया गया है, कोई आपस में बातें नहीं करेगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा। सभी लोग आंसर मुझे चाहिए। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड करती है, थ्योरी में भी करवाया गया है बताइएगा। चलिए ऑप्शन डी जो बोल रहे हो ना, वक्र दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ऑप्शन डी वाले सभी लोग सही हो, ताली बजा दो सभी लोग, ग्रुप में सभी लोग जो है ताली बजा दो, आपका सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। समुद्र का पानी आसमानी रंग का दिखाई पड़ने का क्या कारण है जी, इस क्वेश्चन के लिए मात्र आपको जो समय दिया गया ना, मात्र समय 12 सेकंड का समय दिया गया, 12 सेकंड ओनली, 12 सेकंड। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर आ गया, बिल्कुल ऑप्शन ए वाले करेक्ट आंसर है, प्रकीर्णन, बिल्कुल प्रकीर्णन का कारण है। जिन स्टूडेंट प्रकीर्णन लगाए वो अपना ताली बजा दें, ग्रुप में ताली बजा दें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, प्रकीर्णन बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आइए, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन जी, एक तार को काटकर लंबाई आधी कर दी जाती है, कोई एक तार है उसको काट करके लंबाई को आधा कर दिया जाता है, इसके द्वारा वाहन किए जाने वाला सपोर्टेड अधिकतम भार कितना होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको मात्र समय दिया गया है, चलिए 11 सेकंड काफी है, 11 सेकंड, कंप्यूटर जी यहाँ पे गड़बड़ क्या कर रहे हैं, हाँ चलिए 11 सेकंड काफी है, चलिए बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी वाले करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी वाले करेक्ट आंसर है। एक तार के काटकर लंबाई को आधा कर दिया जाता है तो इसके द्वारा जो है ना सपोर्टेड अधिकतम जो वेट लेगा ना वो दुगना वेट लेगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ प्रतिबल का मात्रक क्या है जी, किसको नहीं पता है प्रतिबल का मात्रक, किसको नहीं पता बताइएगा, मात्र 13 सेकंड समय दिया गया है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है बताइएगा सभी लोग, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। चलिए टाइम अप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो बोल रहे हो ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है लकड़ी के एक बेलन का 3/4 भाग पानी के ऊपर रहता है, 3/4 भाग पानी के ऊपर रहता है, तो लकड़ी का घनत्व क्या होगा, डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बहुत लोग इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सिंपल सा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना देखिएगा, लकड़ी जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बोल रहे हो ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, लकड़ी के एक बेलन का जो है 3/4 भाग पानी के ऊपर रहता है, ठीक है ना, 4 में से 3 जो है पानी के ऊपर रहता है, तो लकड़ी का घनत्व आपसे पूछा जा रहा है, तो लकड़ी का घनत्व क्या होगा जी, डायरेक्ट कर दीजिए जो बचा हुआ वही ना होगा, 1 - 3/4 यानी 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 - 3 - 3/4 यानी कहने का मतलब 1/4 यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, सेकंड वाला आंसर जी, इस क्वेश्चन के लिए मात्र 5 सेकंड भी, देखिए कंप्यूटर भी गड़बड़ा रहा है, ओहो चलिए 10 सेकंड समय दिया गया है। एवरी स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए,
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, सब लोग आंसर दीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है जी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बिल्कुल दूरी, दूरी दूरी का मात्रक रटवा दिया गया था, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, 15 नंबर क्वेश्चन। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि वह अधिकतम रेंज पर जा सके। देखिएगा ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन में दम है, ये आपको कितना बार रटवाया गया है, ठीक है ना। आपको जब भी कोई चीज फेंकिएगा तो सबसे अधिकतम दूरी पे कौन जाएगा, जो आपको, चलिए मैं इसको टाइमिंग नहीं देना भूल गया। चलिए सबसे पहले बनाइए, 14 सेकंड आपको समय दिया गया है। एक स्टूडेंट गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, एक स्टूडेंट भी गलत नहीं करेगा। चलिए बिल्कुल टाइम अप हुआ, टाइम अप, टाइम अप। जो स्टूडेंट ऑप्शन डी बोल रहा है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहा है, 45 डिग्री। बिल्कुल ऑप्शन डी जो बोल रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, 45 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब एक गेंद को क्षैतिज कोण से, जैसे यहाँ पे कोई मनुष्य जो है यहाँ पे है बैठा हुआ, ठीक है, अगर ये ऊपर की ओर फेंकेगा ना, तो जो ये 45 डिग्री जो है ना, ये 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेगा ना, वो जो है ना अधिकतम दूरी तक रेंज को कवर करेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ, ये कोई क्वेश्चन आया है, दिए गए ग्राफ की सहायता से बताएं कि वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय किया है। एक मिनट, सॉरी 2 मिनट दे दूं, 2 मिनट, चलिए 2 मिनट टाइम लगाइए आप लोग, 2 मिनट दिया गया इस क्वेश्चन को, ताकि सभी को समझ में आना चाहिए ना। वस्तु ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर किया, ये आपको निकालना है। सबको जोड़ दीजिए जी, आपका आंसर आ जाएगा 6 4 10 दोबारा 12 12 12, बिल्कुल 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं आपको आंसर दे दिया हूं, लेकिन बना के दीजिएगा, बना के आंसर मुझे चाहिए, बनाइएगा सभी लोग, उसके बाद आंसर दीजिएगा। बहुत ज्यादा समय दे दिया गया क्या, चलिए टाइम अप करते हैं, टाइम अप, बहुत ज्यादा समय दे दिया गया, इतना समय इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, जो स्टूडेंट 12 बोल रहे हो ना, 12 किलोमीटर वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। देखिएगा इधर किलोमीटर में जहां डिस्टेंस दे रखा है, इधर समय दे रखा है, ये आपका जो है ग्राफ इधर क्या हो गया, किलोमीटर दे रखा है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, ये आपका इधर मैं जो दिया है ना, ये आपको दिया है समय दिया गया 0.2 और घंटा में दिया ना, यानी 0.2 घंटा, 0.4 घंटा, 0.6 घंटा, 0.8 घंटा, ऐसे कुछ दे रखा है। आपको निकालना डिस्टेंस, क्या निकालना है जी, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड बाय टाइम होता है ना, डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम हो जाएगा। इसको छोड़िए, आपको सबसे पहले ये देखिए 0.20 घंटा में कितना जा रहा है, 0.20 घंटा में, मैं यहां पे लिख देता हूं 0.20 आवर में कितना चल रहा है जी, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 0.20 में, देखिएगा 6 किलोमीटर कवर कर रहा है, 6 किलोमीटर कवर कर रहा है। ग्राफ से में देखिएगा, अब देखिएगा 0.20 से 0.60 में चलिए, यहां से यहां तक चले, अब यहां से यहां तक चलिए 0.20 से 0.60 तक कितना दूरी तय किया, यहां तो देखिए कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं किया, कोई डिस्टेंस कवर किया क्या, नहीं, कोई ग्राफ में नहीं दे रखा, यानी 0 किलोमीटर तक कवर किया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे 0.60 से 0.80, यहां से यहां तक कितना कवर किया, यहां से यहां तक कवर किया, देखिएगा कितना डिस्टेंस ऊपर गया है जी, 6 किलोमीटर तक कवर किया, यानी यहां से यहां तक कितना, 6 किलोमीटर तक कवर किया। हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकाल दीजिए, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 6 किलोमीटर प्लस हो जाएगा 0 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, यानी 6 6 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर कवर किया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा,
इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है, कंप्यूटर जी ज्यादा समय नहीं दीजिए, इन लोगों को बहुत ज्यादा समय देते हैं आप लोग। चलिए 15-14 सेकंड काफी समय दिया गया, 14 सेकंड आप लोग को समय दिया गया है, बनाइएगा सोलो। ओनली 14 सेकंड समय दिया गया, सब लोग उस आंसर में चाहिए। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर जो आ रहा है ना, हाँ पहाड़ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहा हूँ। पहाड़ पर ले जाने से बैरोमीटर में पारे का तल गिर जाता है, पारे का तल गिर जाता है। क्या कारण है? क्योंकि पहाड़ पर वायुदाब कम होता है इसीलिए वो गिर जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है, 18 नंबर क्वेश्चन के लिए मात्र समय दिया गया है आपको, सॉरी हाँ 1 मिनट समय दे रहा हूं। चलिए 1 मिनट समय दिया गया, बनाएगा जी। थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक न्यूमेरिकल है। किसी द्रव का बूंद का भार दे रखा है, इतना ग्राम दे रखा है, इसका घनत्व भी दे रखा है, तो पानी में बूंद का भार क्या होगा? पानी में बूंद का भार क्या होगा? अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? वस्तु का वायु में भार बटा वस्तु का पानी में भार, बिल्कुल उसमें बना दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बनाएगा सभी लोग, सभी से आंसर मुझे चाहिए। चलिए 10 सेकंड और अभी बचा हुआ आप लोगों को। 5 4 3 2 1 1, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, 0 ग्राम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान से सुनिएगा, अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है जी? घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु का वायु में भार बटा में क्या हो जाएगा? पानी में जो भार कमी हुआ है ना। वस्तु का वायु में भार कितना है? अपेक्षित घनत्व कितना दे रखा है? जिसका घनत्व एक ग्राम पर घन दे रखा है, एक बराबर क्या होगा? वस्तु का वायु में भार कितना है? 0.05 ग्राम दे रखा है। बटा में क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, कितना कमी हो रहा है? पानी में बूंद का भार हमको निकालना है ना, तो देखिएगा किसी द्रव की बूंद का भार 0.05 ग्राम है, इसका घनत्व दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो पानी में बूंद का भार निकाला, तो पानी में बूंद का भार क्या हो जाएगा? बूंद का भार माइनस जितना जो है ना वो गिर रहा है वही चीज होगा ना द्रव में, यानी कहने का मतलब 0.05 कितना गिर रहा है जी बूंद का भार, हमको एक्स लिख लेते हैं, मान लेते एक्स गिर रहा है, ये एक्स है, यानी 0.5 - x हो जाएगा, ठीक है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यहां से एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, 0.05 - x बराबर हो जाएगा 0.05, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0.05 - 0.05, यानी एक्स बराबर आ गया 0, एक्स बराबर 0 आ गया, क्या आ गया जी? एक्स बराबर जो आ गया 0 आ गया, यानी पानी में भार कितना है? 0 ग्राम, पानी में भार आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। हाँ इस क्वेश्चन को बनाएगा सभी लोग। 2 समानांतर दर्पण के बीच की दूरी, बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा? ये बहुत बार आपको रटवा दिया गया है, 12 सेकंड समय दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन के लिए, 12 सेकंड समय दिया गया है। एक स्टूडेंट गलत नहीं करेगा जी, आप लोग देखिए तो जरा, कोई गलत भी कर रहे हैं क्या? पेड़ वाले खासकर गलत नहीं कीजिएगा। 2 समानांतर दर्पण के बीच की दूरी कितना, बीच रखी प्रतिबिंब अनंत बनेगा, ठीक है ना? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा।
सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? मात्र इस क्वेश्चन के लिए 9 सेकंड। कंप्यूटर जी ज्यादा समय नहीं दीजिए इन लोगों को। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल रंग, ठीक है ना। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ना, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगा? किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया गया, ओनली था। चलिए 14 सेकंड बनाइए सभी लोग। किसी भी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगा? ये कोई क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे, हाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा जी। क्या बोला जा रहा है? किसी भी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में थोड़ी होता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है ना। ऑप्शन ए जो बोल रहे हो करेक्ट आंसर बोल रहे हो, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। ऑप्शन ए वाले करेक्ट आंसर है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वैद्युत सेल क्या होता है? प्रकाश वैद्युत सेल, मात्र आपको 12 सेकंड समय दिया गया। प्रकाश वैद्युत सेल क्या होता है जी? प्रकाश वैद्युत सेल क्या होता है सब लोग बताइएगा। प्रकाश वैद्युत सेल क्या होता है? प्रकाश वैद्युत सेल क्या होता है बताइएगा सभी लोग। प्रकाश वैद्युत सेल, चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। जो स्टूडेंट ऑप्शन बी बोल रहे हो ना, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ठीक है ना, करेक्ट आंसर बोल रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन पे, 23 नंबर। दिष्टधारी नामक युक्ति का प्रयोग होता है, दिष्टधारी नामक युक्ति का प्रयोग कहाँ होता है जी? इस क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा समय नहीं दिया गया है। चलिए 14 सेकंड समय दिया गया है, बनाएगा सभी लोग से आंसर मुझे चाहिए। दिष्टधारी नामक युक्ति का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, कहाँ होता है जी? बिल्कुल एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आज उतना न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है, लेकिन चलिए अगला नेक्स्ट सेशन में जो ना आपको न्यूमेरिकल और ज्यादा लाएंगे, ठीक है। आकाश में तारे टिमटिमाते दृष्टिगोचर होते हैं, आपसे पूछा क्या जा रहा है? आकाश में तारे टिमटिमाते दृष्टिगोचर होते हैं, कैसे होते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। चलिए 11 सेकंड समय दिया गया आपको। टाइम अप। ऑप्शन सी जो बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते दृष्टिगोचर होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का आ गया क्वेश्चन। यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर हो तो इसकी शक्ति क्या होगा? 1 मिनट समय दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत करवाया गया है, बनाएगा सभी लोग। यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी को 200 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगा? यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगा जी, बनाएगा सब लोग। बताइएगा सब लोग।
यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर हो तो इसकी शक्ति क्या होगा? चलिए चलिए, आपको 4 सेकंड और समय है। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी लगा रहे हो ना, ऑप्शन बी जो लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हो, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। सबसे पहले ध्यान से देखना, फोकस कितना है जी, फोकस देखिएगा, फोकस कितना है, फोकस दूरी कितना है, प्लस 200 क्या है, सेंटीमीटर है। इसकी शक्ति निकालना है, 200 सेंटीमीटर को मीटर में कर दीजिए, 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 2 मीटर हो गया। तो क्या हो जाएगा, पावर बराबर क्या हो जाएगा, 1/f होता है ना, 1/f होता है, यानी कहने का मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी कहने का मतलब प्लस में 0.5 डायोप्टर हो जाएगा, 0.5 डायोप्टर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कोई वस्तु फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर अवतल लेंस के समक्ष स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? ये आपको टेबल, जो टेबल आपको दिया गया था ना, टेबल में ऐसे सब होगा, ध्यान से बताइएगा सभी लोग। सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन सी बोल रहा हो ना, लेंस और फोकस के बीच में, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल दो। कोई भी वस्तु फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर अवतल लेंस के समक्ष स्थित है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा लेंस और फोकस के बीच में बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वस्तु के ताप में वृद्धि होने से समानता उसका घनत्व क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा जी, बताइएगा सभी लोग। टेम्परेचर बढ़ाने पे वस्तु का डेंसिटी क्या होगा, सब लोग बताइएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे वस्तु का डेंसिटी क्या होगा, घट जाता है, ऑप्शन ए जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लोहे के टुकड़े का भार पृथ्वी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए मात्र 15 सेकंड समय दिया गया है, सब लोग बताइएगा। लोहे के टुकड़े का भार पृथ्वी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है, चलो बताइएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप। ऑप्शन ए जो बोल रहे हो कम, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लोहे के टुकड़े का भार जो होगा पृथ्वी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होगा, पृथ्वी के तल की अपेक्षा पानी में जो होगा, सॉरी यहाँ पे पृथ्वी ने मिट्टी, लोहे के टुकड़े का भार जो है ना, लोहा का जो टुकड़ा का भार है मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में कम होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल स्टूडेंट जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल राइट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है जी, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल होती है तो दीर्घ वृत्त का तल क्या होगा? यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है तो दीर्घ वृत्त का तल क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको सॉरी समय नहीं दिया गया है, चलिए 10 सेकंड दिया गया है, चलिए 10 सेकंड में बनाइए सब लोग। चलिए फुल एनर्जेटिक के साथ सभी आंसर आना चाहिए। टाइम अप हुआ। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हो ऑप्शन बी, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, पृथ्वी के केंद्र से जाता है। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल होती है तो दीर्घ वृत्त का तल क्या होगा? दीर्घ वृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस टेस्ट का लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है, चलिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, क्या है जी बनाएगा। एक व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलता है, वापस मूल स्थान पर 50 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से आता है, यदि संपूर्ण यात्रा किलोमीटर पर घंटे में औसत चाल क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक मिनट समय दिया गया, एवरेज स्पीड निकाल देना है, ये सब आपको कितना जो है मैथ में करवाया गया है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बनाएगा सभी लोग।
इसका ट्रिक से भी बताया गया था जी, ट्रिक याद है किसी को? मैथ का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ दिया, बनाएगा सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। बनाएगा बनाएगा सभी लोग, चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर जी स्टूडेंट का आंसर 400/9 आ रहा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। इसका ट्रिक होता है जी, यदि एक एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर 40 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है और जो है ना वही स्थान पर 50 के स्पीड से आ रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना, औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालना है। इसका दो को है ना, यानी 2xy/x+y, ट्रिक आपको बताया गया था ना, यानी 2 × x कितना है 40 गुने 50/x+y, 40 + 50 कर दीजिए, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 20 = 40, 4000 आ गया ना, बटा 50 और 40 90, 4000/90, ये सुना कैंसिल, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एवरेज स्पीड जो आ गया वो आ गया 400/9 आ गया, 400/9, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, द एंड होता है सेशन को। सभी लोग ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है, यहाँ पे नहीं, कमेंट सेक्शन में जाकर के सभी लोग धड़ाधड़ कमेंट कीजिए, सभी का कमेंट को मैं रीड करता हूँ, उसी के अनुसार जो वहां पे सजेस्ट करता हूँ, ठीक है ना, इसीलिए सभी का कमेंट को रीड किया जाता है, मैं खुद उसको पर्सनली पढ़ता हूँ। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा जी। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे शाम को 7 बजे जो होगा ना, वो पारा मेडिकल का टेस्ट होने वाला है, तो वो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक वाले भी सभी लोग अटेंड कीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही वहाँ पे होता है, ठीक है ना, तो ये सभी के लिए कॉमन होता है, तो सभी बच्चे जरूर से जरूर अटेंड किया कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।